हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं विमला पांडे स्वागत करती हूँ आपका पांडे ब्लॉगर्स में। अभी सुबह के 10 बज चुके हैं क्योंकि हमें ना दीदी के उधर जाना है। आज सप्तमी है, यहाँ गौरा मैया और गंवारे बनाए जाते हैं और गंवारों का कार्यक्रम भी होता है, अच्छी तरह से नाच गाना होता है, सब कुछ होता है। अभी आज बनाएंगे, वहाँ जाती हूँ दीदी के उधर, वहाँ पे बनाते हैं। और आज से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे वहाँ, क्योंकि लोगों के वहाँ ना पंचमी से भी स्टार्ट हो जाते हैं, जिस दिन बिरोड़ भिगाते हैं उस दिन से। और मगर हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जाके वहाँ जाके आप लोगों को भी मिलती हूँ, आपको भी दिखाऊंगी कि हमारे वहाँ के गंवारे कैसे बनाए जाते हैं। सब आ गए हैं क्योंकि गौरा मैया बनाई जाएंगी, मक्के जी, निताई जी और दीदी बना रहे हैं दोनों। पिछले बार वाली तब भी ठीक हो रखी थी। ताई जी ज्यादा मोटा तो नहीं हो जाएगा ये? हाँ ये खा खुल के ये भूखा भदवा के खुदा कभी रेची कभी भूखा भदो आपके आप मिलता है, पहले से नहीं मिलता था। ये हाथ बना दिए हैं, मक्के का बनाते हैं और धान के बाल के वो पता नहीं उसका बनाते हैं। ये गौरा मैया बनाएंगे, मोटा है ना वो। आज है सातू, ये जो अच्छा लग रहा है ना लहंगा, ये सुंदर सा, अच्छा नया नया सुंदर नया लहंगा बना रखा है मैया के लिए इस बार। हाँ सातू नहीं घुसेगा, जय माता जी। है दीदी उसमें वो डब्बे में कोई बात नहीं, फिर बात देते हैं। ओ मामी इसको निकालो, ये मक्का ही आ गया। क्योंकि हम भी ना पहाड़ों की तरह ना यहाँ पे गौरा मैया सातों आठों हम भी सारे कार्यक्रम करते हैं, जैसे पहाड़ों में होते हैं ना वैसे कार्यक्रम हमारे यहाँ भी होते हैं। हम लोग भी सब कुछ मनाते हैं यहाँ पे, सातों आठों भी मनाते हैं। साइड से थोड़ा ऊंचा यहाँ पे चपटा जैसा हो, कोई बात नहीं, वो पिछोड़ा आगे ना ब्लॉड लग जाएगा, पिछोड़ा। दीदी एक चुनरी तो पड़ी हो, तो ऐसी गोदी में ले जाते थे भैया, कैसी लग रही? और दिविशा, दिविशा तूने देखा माता रानी को?
सगु सगु ना हो गो मामी वाला हाथ मतलब पैरों से ना बहुत पैरा है यहाँ वहाँ पैरा है नहीं और क्या बिल्कुल ऐसे हाय जी दीदी लोग लगे हैं माता रानी को बनाने में मैया बन भी चुकी है हमारी ला मामी दियो तो नख करो ना माता रानी का और तो ये माता तो नख करो ना तो हमें ना हमेशा सलामत जय हो माता रानी माता रानी को पिछोड़ा लगाने लग गया माता रानी के सब कपड़े नए नए हैं कलर भी अच्छा लग रहा ना उस पिछोड़े का डार्क कलर हाँ और मैया को ऐसे कलर भी अच्छे भी लगते हैं डार्क का दीदी अब पहुंच रही जब माता रानी बन गई ना तब अभी तक कहाँ थे तुम मैं अपने घर का सारा काम छोड़ के आई हूँ मैया के दरबार में आने के लिए अब माता रानी पूरी तरह से रेडी हो गई उनका कारोबार ही पूरा नहीं होता लेट कैसे हुआ आपको अच्छा अब ले जाएंगे ना माता रानी को अंदर क्योंकि वहाँ पे रखेंगे अंदर फिर उसके बाद गाना बजाना होगा थोड़ा फिर सातवा आठों का क्या होता है प्रोग्राम सारा बताया जाएगा सब कुछ होगा माता रानी को हम सब ने पिछोड़े पहन रखे हैं यहाँ पे सब जनों ने पिछोड़ा पहन पन्नू महारानी आ रही है शंकर और घंटी लेके आजा आजा अब माता रानी को ले जा रहे हैं मंदिर में अंदर ले जाएंगे अंदर स्थापना करेंगे मैया की Thank you.